हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है SSC यानी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की तरफ से। सेलेक्शन पोस्ट फेज आपका 12 रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग, एनुअली आपका सेलेक्शन पोस्ट फेज के लिए आते रहते। लास्ट ईयर फेज 11 आया था, ऐसे ही एनुअली बहुत सारे विभाग डिपार्टमेंट्स होंगे 500 प्लस वेरियस पोस्ट के लिए है। ऑल इंडिया का रहेगा, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आप भी SSC के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई अच्छे पोस्ट के ऊपर जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना फ्रेंड्स। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि SSC में सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट की अगर बात करी जाए तो 5369 मतलब 5400 के अप्रॉक्स सीट्स के ऊपर वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आउट होने वाली है। अप्लाई डेट की बात की जाए तो 1st February से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 28th February रहेगा। और देखिए, आपको 28 फरवरी का इंतजार नहीं करना है, आपको जिस डेट का इंतजार करना है वो है 1st February, मतलब 3 से 4 दिन के बाद ही आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अब जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस समय जनरल OBC और EWS से जो चार्ज लिया जाएगा वो है 100 rupees, SC ST फीमेल और जो भी अदर कैंडिडेट्स है उनसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं कि एज लिमिट आपका कब से कैलकुलेट होगा। तो आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो होगा 1st January 2024 के अकॉर्डिंग। तो मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम 30 वर्ष। मतलब इसमें देखिए, इसमें आपका ग्रुप सी का पोस्ट है और बहुत सारे ग्रुप बी का भी होगा, जैसे कि MTS का पोस्ट है तो उसके लिए 18 से 25 वर्ष होता है, LDC के लिए 18 से 27 वर्ष रहता है। तो बहुत सारे पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट का एज क्राइटेरिया भी अलग रहेगा। तो वो चीज आप नोटिफिकेशन में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो अच्छे से देखिएगा कि आपका एज लिमिट क्या रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, रिलैक्सेशन भी मिलता है। OBC को 3 इयर्स का और SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको पहले ही बता दिया कि वेरियस पोस्ट है डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपका क्वालिफिकेशन भी पोस्ट वाइज अलग अलग होगा। 10th के जो पास कर रखे उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है, 12th पास के लिए भी सीट्स आई है, ग्रेजुएट्स जो होंगे उनके लिए भी सीट होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। एग्जाम की डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। आपका जो पेपर होगा वो आपका 6, 7 और 8 मई 2024 को पेपर होगा। तो आपको इस डेट का भी अब वेट नहीं करना, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से स्पीड को बूस्ट करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए ताकि जब मई में पेपर हो तो आपका रिजल्ट आए उसके बाद। तो चलिए अभी देख लेते हैं किन किन आपको स्टेज से गुजरने के बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर 4 स्टेज पर डिपेंडेबल होगा। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास करना होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, मतलब कि आपका पता है कि अलग अलग पोस्ट है तो पोस्ट वाइज होगा, किसी किसी पोस्ट के लिए फिजिकल है, किसी के लिए स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग होगा। और उसके बाद आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो पेपर होगा ऑनलाइन उसमें कितना क्वेश्चन, कितने मार्क्स के लिए, क्या सभी एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के लिए। फॉर 1 क्वेश्चन यू विल गेट 2 मार्क्स एंड टाइम जो होगा ना 1 आवर का रहेगा। और निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर 1/2, मतलब 0.5 का आपका निगेटिव मार्किंग है, पर क्वेश्चन 2 मार्क मिलेंगे। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहेंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, लास्ट सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, अभी आपको मैंने पहले भी बताया कि वेरियस पोस्ट है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो ऑल इंडिया के अंदर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो 500 प्लस डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर आपका वैकेंसी निकल के आया है।
सिलेक्शन प्रोसेस तो आप समझ गए हो कि एग्जाम क्लियर करोगे, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, डीवी मेडिकल, देन ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन किन किन पोस्ट के ऊपर आपको काम करना होगा, चलिए कुछ पोस्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला MTS, LDC, स्टोर कीपर, लैब असिस्टेंट, मेडिकल अटेंडेंट, ASI मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट होगी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, मतलब बहुत सारे पोस्ट है। मैं थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ कि ये सब पोस्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा पोस्ट होते हैं वो आपको देखना होगा। क्या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो ना, तो जोन वाइज वैकेंसी होगी, तो उसको अच्छे से देखना है कि किस जोन के लिए किस पोस्ट का क्या वैकेंसी है, तो जोन वाइज अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, मतलब कि आज एक पोस्ट का आपका एग्जाम होगा तो फिर अगले दिन या फिर किसी दिन आपका दूसरा जो आपने अप्लाई किया उसका एग्जाम होगा। ये नहीं कि एक पेपर दिया उसके थ्रू आपका अलग अलग पोस्ट का हो जाएगा, अलग जोन के लिए भरोगे तो एग्जाम सेंटर भी अलग अलग स्टेट में पड़ेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, आप सर्व करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, तो यहाँ पर लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक की सैलरी होती है, मतलब कि पोस्ट अलग अलग है, तो किसी पोस्ट के लिए 19,000 की सैलरी होती है, तो जो हायर लेवल की पोस्ट होती है उसके लिए आपका हायर सैलरी होती है, तो इंक्रीमेंट के बाद 81,100 रुपीज जो सबसे मिनिमम पोस्ट के लिए सैलरी बता रही हूँ, हाईएस्ट आपका 1,00,000 अप्रॉक्स सैलरी होता है। सो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, मैंने जो कुछ भी डाउट्स आपके क्लियर किए हैं एसएससी फेज 12 की जो न्यू वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग। कहीं पर भी मन में कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो एसएससी ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, तो वो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप चाहो तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हो, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए फॉलो करिए, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करके जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, bye bye, take care.